तो यहाँ पे हम इसको एक कवर कर देते हैं और ऊपर से हम और एक कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट हम पकाएंगे। तो ऐसे करके प्रोसेस होगा, तो 15-20 मिनट बाद मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और रेसिपी अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए, प्यारे प्यारे कॉमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आज दिखा रही हिलसा मच्छी, जो हम लोग इलिश मच भापा बना रहे हैं, बंगाली डिश, और एकदम ट्रेडिशनल बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फिश है, फिश में थोड़ा सा एग भी है, तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक हल्दी मैं मिला लूँगी। मैंने इसको अच्छे से धो लिया था 2-3 बार। और हमें मसाला में चाहिए, हमने ले लिया है 1 स्पून जो काला सरसों, और 1 चम्मच पीला सरसों, और थोड़ा सा नारियल, और थोड़ा सा नमक, और 5-6 हरी मिर्च। तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो अभी मच्छी में हम लोग सबसे पहले तो हल्दी नमक लगा लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो थोड़ा सा हल्के हाथों से आप इसको लगा लीजिएगा। इसमें अंडा है इसलिए मैं बहुत आराम से करूँगी इसको। तो देखिए ये हमारा अंडा है, तो हमने हल्के हाथों से इसमें लगा दिया है हल्दी और नमक। और यहाँ पे हमने पानी बिठा दिया था क्योंकि हम स्टीम करेंगे फिश को, तो इस वजह से हमने पानी चढ़ा दिया है। तो चलिए पहले फिश का जो मसाला वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने खाली कटोरी लिए है और इसमें हम डालेंगे अभी मसाला। तो दोस्तों अभी हम एक एक करके इसमें सामान डाल देते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नमक। हम लोग एकदम मामूली नमक देंगे क्योंकि मच्छी में हमने नमक दिया था, मसाले में पीसने के समय थोड़ा नमक दिया था, और यहाँ पे थोड़ा सा 1 पिंच शुगर। तो इसको हम अच्छे से अभी मिला लेते हैं। इसमें थोड़ा सा देंगे हम मस्टर्ड ऑयल, इसमें मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये नहीं बनेगी अच्छे से। तो हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं मसाला। अब हम इसमें एक एक करके जो फिश है वो डाल देंगे। तो देखिए हमने चारों पीस जो फिश है वो मैंने डाल दिया है, और अभी हम इसको अच्छे से कवर कर देते हैं। तो इसको अच्छे से मिला देना है ताकि जो हमारा मसाला है से वो डूब जाए फिश। तो दोस्तों अभी अच्छे से हमने इसको मिला लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 4-5 हरी मिर्च, और ऊपर से थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे क्योंकि इसमें मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ऑयल हम इसमें और डाल देते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमारा जो पानी गर्म हो गया है उसके ऊपर हम इसको बिठा देते हैं। अब इसके ऊपर में हम एक कवर कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको एक कवर कर देते हैं, और ऊपर से हम और एक कवर कर देंगे, और 15-20 मिनट हम पकाएंगे। तो ऐसे करके प्रोसेस होगा, तो 15-20 मिनट बाद मिलते हैं।